123वां अध्याय। द्वीप और समुद्र में गए हुए विपरीतों की पश्चिम की ओर गए हुए क्रम से विविध दिशाओं का वर्णन। इस रीति से समुद्र और द्वीपों में जाने वाले विचार विपरीत पैदल दृश्य रूप अविद्या के अंत के विचार में प्रवृत्त हुए। शरीर के छेद भेद से रहित विपरीतों ने विपश्चितों ने समुद्र से द्वीपों को, द्वीप से समुद्र के ओर, इस प्रकार द्वीप पर्वत और वन को शीघ्रता से लांघा। उन चार विप्रश्चितों में से पश्चिम दिग्गत को देखने के लिए प्रवृत्त विप्रश्चित को अपने को अमर समझने वाली विष्णुमीन कुल में उत्पन्न मछली निकल गई, जिसका वेग अत्यंत शीघ्र बहने वाली व्यास नदी की नौक के सदस्य अत्यंत तीखा था। उसे पचाना सरल न था, अतः एवं उस मछली ने क्षीर सागर में पहुंचकर उसे उगल दिया। तदनंतर क्षीर सागर को लांघकर वह दूर दिग्गत हो गया। दक्षिण दिग्गत को देखने के लिए प्रवृत्त विप्रश्चित को इक्षुरस सागर में स्थित दक्ष नगर में वशीकरण विद्या की शिक्षा में निपुण यक्षिणी ने देखकर अपने विद्या बल से अपनी ओर आकृष्ट कर अपना प्रेमी बना लिया। पूर्व दिग्गत को देखने के लिए प्रवृत्त विप्रश्चित ने गंगा के हजार मुहानों को एक एक करके देखते हुए जब कहीं पर मगर को, जो उसे निगलना चाहता था, खींचकर उसे उद्धार के लिए उसे गंगा में ले जाकर चीर डाला, तब गंगा जी ने उसे पीछे वापस लाकर कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में छोड़ दिया। उत्तर दिग्गज को देखने के लिए प्रवृत्त विप्रश्चित ने उत्तर कुरुदेश में श्रीदेवी जी के साथ लीला कर रहे भगवान की आराधना कर अणिमा महिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त किया। अतः एवं उक्त विप्रश्चित को ऐश्वर्य के प्रताप से दिग्गंत में व्याप्त मरण प्रयुक्त भय दुख नहीं देते, यथार्थ अमर हो गया। उक्त अणिमा आदि ऐश्वर्य को प्रताप से ही मगर और जलगजों द्वारा पहले निकली फिर उगली हुई मूर्ति वाला वह अनेकानेक द्वीप द्वीपांत के कुल सैलों को लांघ गया। फिर पश्चिम दिग्गत की ओर प्रवृत्त विप्रचित के वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पश्चिम की ओर चले विपरीतों को उनकी अंग शोभा कुश की सी थी। बक्षीराज गरुड़ ने अपनी पीठ पर बैठाकर वेग से कुश द्वीप और अनेक सागरों को पार कर दिया। फिर पूर्व विपरीत का समाचार कहते हैं, कौंच द्वीप पर्वत पर वन में राक्षस पूर्व विप्रचित को निगल गया। तदनंतर उस राक्षस को विप्रचित ने आतड़ियों ने द्वारा चीर डाला। फिर दक्षिण विप्रचित का वृत्तांत कहते हैं, शाकद्वीप में तो दक्षिण की ओर चला हुआ विप्रचित दक्ष के साप से एक क्षण में यक्ष बन गया। एक वर्ष तक यक्ष बने रहने के बाद उसकी मुक्ति हुई। फिर उत्तर की ओर चले विप्रचित का वृत्तांत कहते हैं, उत्तर विप्रचित वेग से बड़े बड़े और छोटे 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 मोटे नदी नाले तथा समुद्र पार कर स्वादिष्ट जल वाले महासागर के आगे प्रसिद्ध स्वर्ण भूमि में सिद्ध के साप से शिला बन गया। तदुपरांत 100 वर्ष बाद अग्निदेव के अनुग्रह से वहां उसी सिद्धि ने उसे साप से मुक्त कर दिया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर पूर्व पश्चिम का वृत्तांत कहते हैं, परम धर्मात्मा पूर्व विप्रचित कान्यकुब्ज देश से उत्तर की ओर गया। वहाँ 8 वर्ष प्रधान रूप से नारियलों की उत्पत्ति वाले देश में रहने वाले लोगों का राजा बन गया। तदुपरांत उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। नारियल के फलों पर निर्वाह करने वाला वह मेरु पर्वत के उत्तर तरफ फिर उत्तर तरफ स्थित कल्प वृक्ष वन में वह 10 वर्ष तक अप्सरा के साथ रहा। पश्चिम विप्रचित पक्षियों की वशीकरण विद्या में पारंगत था, अतः वह उसे पहले उसे गरुड़ ने पीठ पर बैठाकर समुद्र पार किया था। वह सालवी द्वीप के सालमली पेड़ पर पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीड़ावश 10 वर्ष तक रहा। कोमल लताओं से भरे हुए बंदराचल पर मंदार वृक्षों के निकुंज रूप गुहों में
मंदरी नाम की किन्नरी ने उस पश्चिम विपरीत का एक दिन तक सेवन किया। उसके उपरांत पूर्व विपरीत नारियल के वन से क्षीर सागर के तट पर गया। वहां की कल्प वृक्ष के वनों की पंक्तियों में नंदन वन की देवियों अप्सराओं के साथ कामाकुल उसने 70 वर्ष बिताए। 123वां सर्ग समाप्त। 124वां सर्ग। एक जीव का देह भेदों से भिन्न विभिन्न व्यवहार का समर्थन पूर्वक द्वीपों में विभिन्न शैलों में विप्रचित्तों के विवाह विराह विहार का वर्णन। चारों विप्रचित्तों की एक ही देह थी और एक ही जीव था। ऐसी अवस्था में उनमें भिन्न भिन्न इच्छाएं कैसे हुई, श्री रामचंद्र जी के ऐसी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, एक साक्षी चैतन्यमय तथा एक ही शरीर के चार विभाग होने से एक शरीर वाले वे सब विप्रचित जिसका एक ही जीव था, जीव भेद के बिना एक ही समय विविध इच्छा वाले कैसे हो गए। एक जीव की भी अविद्यावश स्वप्न में नाना शरीर कल्पना देखी जाती है और उनमें शत्रुता मित्रता और उदासीनता की कल्पना होने पर विभिन्न इच्छाएं दिखाई देती है तथा स्वर्ग के आदि में ब्रह्मरूप जीव में जागृत अवस्था में भी नाना शरीर कल्पना रूप कर्म ही है, अतः सब कुछ संभव है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जैसे स्वप्नावस्था में चित्त अपने में ही गिरी समुद्र नदी आदि के रूप से नाना सा होता है, वैसे ही केवल साक्षी चैतन्य घनाकाश सर्वव्यापी नाना अखंड ब्रह्म ही नाना मायावश नाना सा भिन्न सा बन गया है। जैसे अति स्वच्छ दर्पण के उदराकाश में गिरी नदी आदि के साथ महाकाश प्रतिबिंब होता है, वैसे ही संवितमय आकाश के साक्षी चैतन्य के दर्पण के समान अति स्वच्छ होने के कारण नानात्मकता को जैसा प्राप्त हुआ आत्मा स्वयं ही अपने में प्रतिबिंबित होता है, उस प्रकार अति स्वच्छ संवितमय आकाश के जगदाकार होने में दर्पण किसी अति निर्मल स्वच्छता ही कारण है। जगत भी वस्तुतः चित्त ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में चित्त का ही चित्त में प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा, ऐसी यदि कोई शंका करे तो उस पर दृष्टांत सुनो। ऐसा कहते हैं, जैसे एकमात्र लोहे के बने हुए दर्पणों का आपस में एक दूसरे पर प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही परमार्थतः चिद्रूप भी ये पदार्थ आपस में प्रतिबिंबित होते हैं। माया रूप उपाधि की शक्ति और चिंतनीय विचार सीमा से परे हैं। अतः गंधर्व नगर स्फटिक की दीवार रूप आकाश में चंद्रमा सूर्य और मेघ सहित महाकाश का भी प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये भाव है। अतः एवं अध्यस्त भोग भोग्य जगदाकार ब्रह्म विषय और इंद्रियों का संयोग होने पर बुद्धि अविच्छिन्न जीव के प्रति अप्रिय विषय भोगों के आकार से प्रतिबिंबित होता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जब जिसकी जो जो भोग्य वस्तु एकमात्र चिदघन स्वभाव होने से इंद्रिय सन्निध कर्ष को प्राप्त होती है, बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है, उस वस्तु से वह उसके भोग के लिए समर्थ होता है। यदि भोग्य वस्तु बुद्धि में प्रतिबिंबित न हो तो मान भी भान भी न हो, ये भाव है। एक ही वस्तु नाना और अनाना दोनों हो, ये विरुद्ध है। माया द्वारा भी वह नाना और अनाना कैसे होगी, इस पर युक्ति कहनी चाहिए। ऐसा कोई कहते तो उस पर कहते हैं, यदि नानात्मकता मात्र का निषेध किया जाए तो ये अनाना मतलब नियत एक रूपी है। यदि नाना रूप का निषेध न किया जाए तो नाना भी है और अनाना भी है। वास्तव में तो नाना है और न अनानात्मक धर्म का भी निषेध होने के कारण न अनाना ही है, तथा अनानात्मक धर्म का निषेध होने से नाना भी हो सकता है। यही नाना और अनाना के विरोध में युक्ति है।
इसी कारण विचित्रों के नाना दिशाओं में भोग 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 योग्य पदार्थों के एक ही समय भोग देने वाले कर्म का परिपाक होने पर एक ही देह चार प्रकार की सी हो गई तथा तत्तद देश के विषयों का तत्तद बुद्धि में प्रतिबिंबित भी पड़ गया। इस आशय से कहते हैं, इस कारण जिस विपरीत के सामने जो वस्तु आई उसके वह संवितता को प्राप्त होकर उसके वश में हो गया। जब अगस्त आदि योगियों का भी जो मलई आदि नियत प्रदेश में नित्य रहते हैं, नाना देशों में अतीत अनागत आदि कालों में योग बल से संनिधान द्वारा सब वस्तुओं का अनुभव करना प्रसिद्ध है, तब भिन्न देशों के प्रति चले हुए विपरीतों का वह हुआ, इसमें क्या आश्चर्य है। इस आशय से कहते हैं, एक देश में स्थित योगी तीनों कालों में सर्वत्र होकर एक ही समय में सब काम करते हैं, सबका अनुभव भी करते हैं। एक देश में स्थित योगी तीनों कालों में सर्वत्र होकर एक ही समय में सब काम करते हैं, सबका अनुभव भी करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में एक ही समय में एक ही भिन्न क्रियाकारिता में तत्तद देशों में व्याप्ति ही उपयोगी है, जीव भेद का कोई उपयोग नहीं है। ऐसा कहते हैं, जैसे धूप से पीड़ित लोगों को सुख पहुँचाने वाला मेघ भी महान होने के कारण ही नाना नगर पर्वत नदी श्वेत खेत आदि में व्याप्त होकर एक ही काल में महलों को धोना, तटों को तोड़ना, नदी का जल बहाना, धानों को पुष्ट करना आदि विभिन्न व्यापार तत्तद भाग से करता है। तत् अभिमानी जीव मेघ का अधिष्ठाता जीव भी मैंने ये क्रियाएं की ऐसा अनुभव करता है। वैसे ही यहाँ पर भी उपपत्ति समझनी चाहिए, ये भाव है। अणिमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति से ईश्वर तुल्य हुए योगी एक ही समय में असंख्य कर्म पूर्ण जगतों का निर्माण करते हैं और उनका अनुभव भी करते हैं। एक ही विष्णु भगवान अपनी चार भुजाओं से अथवा अपने विभिन्न शरीरों से कहीं पर योग निंद्रा, कहीं पर तपस्या, कहीं पर इंद्र के अनुज होने की अनुज होने से उनकी सहायता, कहीं पर वैकुंठ विविध भोग विविध क्रियाएं करते हुए जगत की रक्षा करते हैं, वारांगनाओं का उपभोग करते हैं एवं उनका अनुभव भी करते हैं। अनेक भुजाओं वाला पुरुष दो हाथों से जब दो वस्तुओं का ग्रहण करता है तब फिर अवशिष्ट अनेक बाहुओं से उसे सदा संग्राम करना पड़ता है। दसों दिशाओं में स्थित वे विपरीत यद्यपि एक साक्षी चैतन्य वाले थे, फिर भी उन्होंने वैसे ही व्यवहार किया और सुख दुख आदि प्राप्त किया। उन्होंने भूमि संयाओं में सहन किया, विभिन्न द्वीप द्वीपांतों में सुख दुख का उपभोग किया, वन श्रेणियों में विहार किया और मरुभूमि में भ्रमण किया, पर्वत पंक्तियों में निवास किया, सागरों के गर्भ में भ्रमण किया, विविध द्वीपों में विश्राम लिया और मेघमाला से भरे हुए पर्वत श्रृंगलों श्रृंगारों पर छिप कर रहे व सागर पंक्तियों में आविर्भूत हुए एवं उन्होंने आंधियों में सागर की तरंगों में पर्वत और समुद्रों के तटों में तथा नगरियों में क्रीड़ा की। पूर्व दिशा को प्रस्थित विप्रजित सागरद्वीप में प्रख्यात उदय पर्वत के तट पर दल रहित अनु स्नुही वृक्ष के वन के अंदर यक्ष द्वारा मोहिनी विद्या से मोहित होकर 7 वर्ष तक सोया रहा। पूर्व विप्रचित ही इस पर्वत पर कहीं पत्थर बना होने देने वाला जल पीकर जबरदस्ती पत्थर बनकर भूमि के अंदर 7 वर्ष तक रहा। पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित विप्रचित सागरद्वीप में अस्ताचल पर्वत के शिखर पर मेघपूर्ण महागुहा रूपी गुह में पिशाच रूपी अप्सरा ने 1 महीने तक अपना कामुक बना डाला। पूर्व विप्रचित शांतमयी नाम के वर्ष सप्त द्वीप में जलधारा नाम के महापर्वत पर किसी मुनि के साप से हरितकी के वन में हरितकी वृक्षता को प्राप्त होकर लोगों की दृष्टि में अदृश्य बनकर रहा। शिशिर नाम के वर्ष में रेवत नामक पर्वत पर पूर्व विप्रचित यक्ष के वश में पड़कर 10 रात्रियों तक सिंह हुआ। यहाँ पर पिशाचों की माया से छलित होकर सुवर्ण पर्वत सुमेरु आदि की गुफाओं में मेढक बना हुआ वह 10 वर्ष तक रहा।
उत्तर की ओर प्रस्थित हुआ विपरीत कौमार वर्ष में पहुंचकर सागरद्वीप में नीलगिरी के तट पर अंधे कुएं कुप में अंधा मेढक बनकर 100 वर्ष तक रहा। पश्चिम की ओर चले हुए विपरीत ने मरीबक वर्ष में विद्याधरता प्राप्त करने वाली विद्या से 14 वर्ष तक विद्याधरता प्राप्त की। जिस वस्तु का अवलंबन कर उसने विद्याधरता प्राप्त की उसे कहते हैं सूरत में होने वाले पश्चिम से प्राश्रांत। भगवान शिव जी की आध्यात्मिक शोभा से चंचल अंगों के क्रम से उत्पन्न हुई श्वेत बिंदुओं से सम्मिश्रित तथा इलायची की लताओं के आलिंगनों से सुगंधित तटवन की वायु का अवलंबन कर उक्त प्रचित ने विद्याधरता संपादित की। 124वां सर्ग समाप्त।